दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान, इनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट काफ़ी लंबी है। सलमान की ज़िंदगी में कई लड़कियां आईं और चली गईं। ऐश्वर्या से लेकर कैटरीना तक जितनी भी एक्ट्रेसेस सलमान की ज़िंदगी में प्यार का पैगाम लेकर आई, वे सारी की सारी टूटे दिल के टुकड़ों को लेकर सलमान खान की ज़िंदगी से चली भी गई। कहा जाता है कि सलमान की सभी गर्लफ्रेंड्स उनके गंदे बिहेवियर का शिकार हो चुकी थी, इसलिए एक के बाद एक सभी ने सलमान का साथ छोड़कर किसी दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन आज हम बात करेंगे सलमान खान की वर्तमान गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की। जी हाँ, सलमान की गर्लफ्रेंड कैटरीना ही एक ऐसी रही है जिसने लंबे समय तक सलमान की गंदी आदतों का सामना किया है। खैर, प्यार में कैटरीना ने सलमान के रवैये को तो सहन किया ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर की वजह से कैटरीना सलमान खान के हाथों मार भी खा चुकी हैं। साल 2008 में आई फिल्म वेलकम में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। फिल्मी पर्दे पर इस जोड़ी को देखकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। अंदाजा तो यहां तक लगाया गया था कि अक्षय और कैटरीना के बीच रियल लाइफ में भी कुछ पक रहा है। इस तरह की खबरों को सुनकर सलमान खान काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने कैटरीना को अक्षय के साथ फिल्मों में काम न करने की सलाह दे डाली। लेकिन लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली कैटरीना ने सलमान की बात नहीं मानी और जब कैटरीना की अगली फिल्म नमस्ते लंदन आई, तब गुस्से में लाल सलमान खान अपना आपा खो बैठे थे और कैटरीना को ढूंढते हुए उनकी फिल्म के सेट पर जा पहुंचे। सेट पर पहुंचने के बाद जब सलमान खान को पता चला कि कैटरीना कैफ वैनिटी वैन के अंदर ही हैं, तो सलमान सीधे कैटरीना की वैनिटी वैन में जा घुसे, जिसके बाद कैटरीना के चिल्लाने और थप्पड़ों की आवाज बाहर भी आने लगी थी। कुछ देर बाद जब आवाज शांत हुई, तब सलमान खान गुस्से में वैन से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। सलमान के जाने के बाद कैटरीना भी वैनिटी वैन से बाहर आ गई और चेहरे को ढकते हुए सेट से बाहर चली गई, ताकि लोगों को पता ना चले कि अंदर क्या हुआ था। तो दोस्तों, सलमान की इन हरकतों के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।